रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इसमें मुख्य रूप से सूबे में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था व सभी थानों में एक ही जाति के पुलिस कर्मियों को तैनाती को लेकर चर्चा की गई। यह प्रेस वार्ता आम आदमी पार्टी ने जनपद कानपुर देहात के एक होटल में रखी। इसमें सूबे की लाचार कानून व्यवस्था के चलते जंगल राज कायम होने की बात कही गई। प्रदेश सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हत्या, बलात्कार और लूट की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। उन्होंने परीक्षाओं को ना करने की मांग की है। इस प्रेस वार्ता में आमतौर से आम आदमी पार्टी के जनपद स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी बेटालाल दिवाकर के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी का सरकार पर हमला, आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष पांडे ने बताया कि सूबे में जंगल राज कायम है। चारों तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सरकार की तरफ से मुंह बंद किया जा रहा है। सूबे के सभी थानों में एक ही वर्ग के लोग तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, कोई नमूना बोलता है, योगी जी उन्हें नमूना बोल रहे हैं, उमा शंकर जी उन्हें राजनीति का कीड़ा बोल रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य इन मुद्दों को लेकर है कि क्या ये प्रजातंत्र में जायज मुद्दे हैं, क्या ये राजनीति करने के तरीके हैं। हम आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में 3 बार सरकार बना रही है, पंजाब में हमारी उपस्थिति है, अब उत्तर प्रदेश में हम जनता के सामने विकल्प के रूप में खड़ा होना चाहते हैं, तो हमको खड़ा होने से मना कर लेंगे क्या? कैसे हमारी आवाज़ रोक लेंगे? कोई अंग्रेजों का राज है, कोई जंगल राज है? हमारे पास क्या इतनी फ्रीडम नहीं है कि हम जाकर अपनी बात रख सकें? हम लोग तो जनता का संघर्ष लेंगे, जनता को आश्वस्त करेंगे, जनता का साथ लेंगे। ये गलत है। इस उद्देश्य से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया कि आम आदमी पार्टी आम जनता की आवाज़ है और आम जनता संविधान में दर्ज है। हम उस संविधान को लेकर के जनता के बीच में और जनता को चुनने दीजिए, लेकिन हमारी आवाज़ दबाने का गलत तरीके से प्रयास ना करे ये सरकार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमारा ही है। खाद की कालाबाजारी पर आप क्या कहेंगे? खाद की भी कालाबाजारी। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आज से 10 साल पहले मैं दूसरे दल में था। मैं कानपुर जा रहा था, यही हाईवे पर मुतहरापुर ग्राम वासियों ने जाम लगा दिया। मैं उतरा, मैंने ग्राम वासियों से पूछा क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि आप गाड़ी आगे मत ले जाइए, हमको खाद नहीं मिल रही है। मैंने उस समय के जो DM थे रामदत्त राम जी, उनको फ़ोन किया और मेरे कहने पर ग्रामीणों ने जाम खोला, जबकि प्रशासन लगा रहा, उन्होंने मना कर दिया कि हम जाम नहीं खोलेंगे। और मैंने उनको आश्वस्त किया कि कल अगर खाद नहीं बढ़ती है समिति से तो मैं आप लोगों के साथ धरने पर बैठूंगा, यही बगल में है मुतहरापुर। अगले दिन मैंने खाद बंटवाई। मैं ये पूछना चाहता हूँ योगी सरकार से कि आप भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने आए थे, प्रदेश मुक्त करने आए थे, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्यों लोगों को खाद नहीं मिल रही है? मुझे अभी जानकारी आई कि अभी चुनाव हुए बैंकों के, सहकारी बैंकों के, एक एक नामांकन निर्विरोध, ये कैसे संभव है? ये संभव तभी है जब भ्रष्टाचार है, ये संभव तभी है जब किसी की आवाज रोकी जाए, यह संभव तभी है जब फिक्सिंग हो। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, मुझे अधिकार है, गौड़ जी को अधिकार है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या हो रहा है? यह भ्रष्टाचार का नमूना है इस प्रदेश में, भ्रष्टाचार हो रहा है। राम पार्टी इसका विरोध करती है। अगर जी कल एक